सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय गणेश गिरजा सुमन हे गणपति महाराज। घन हरण मंगल कर पूर्ण करहु मम काज। नमो काल कालम कृपालम गोपालम नमो नंदलालम यशोदा के छैया। नमो खल विदार मनलिन्ने नमो वासुदेवा गोवर्धन उठैया। नमो गात दिव्यम गदा पाणि हस्त नमो ग्वाल बालम दधी के खवैया। नमो झुक झुकाते हैं श्री रमेश कसैया श्री गुरु माधव शक्ति जो सहैया। बाबू ये कहानी आपके आलखंड से अवधि भी रहा है। जी कहानी शीर्षक है हमारे ढोल मास्टर कहे पहले बताई जा जवन गावे बजावे का हाथी का गई है। कहानी शीर्षक बा उदल हरण उर्फ झारखंड की लड़ाई। आप हैं साध्वी पूजनीय मीरा दास आपकी तरफ से 30 रुपए का सम्मान बा नमन वंदन आशीर्वाद की कामना बा। मास्टर जय जय कलकत्ते की काली मैया दर्शन दई दहाई। दुइनों हाथ है मोर खाई बिना दया के तोरे पेड़ न लागे। अरे पेड़ न लागे पार भवानी दया कराहे माता। पेड़ न लागे पार भवानी दया कराहे माता। साचा तेरा दरबार है मैया इस दुनिया के नगारे। बड़े बड़े धन मान तुम्हारे द्वारे हथवा पाए। हाँ बड़े बड़े धन मान तुम्हारे द्वारे हथवा पाए। सब कर मनसा पूर्ति हम आए न मन के भिखारी। आए न बन के भिखारी माता मनसा मोर पुराई दिया। सात सुरों के सरगम से जितिया का मोर सराई। हाँ सात सुरों के सरगम से जितिया का मोर सजाए दिया। सागर की लहरों के जैसी तरंग लाई के डाल दिया। सागर की लहरों के जैसे तरंग लाई के डाल दिया। शीशन वारन चंद कह की बस कना उपकार दिया। हाँ बस इतना उपकार किया या बात मात लिया मानी हो। हाल करी हम धार
झारखंड के जहाँ कुछ दिया रानी है, हाल कई हम झारखंड के जहाँ कुछ दिया रानी है, 16 बसंत पार किया है चढ़ाया पानी के देख देखत रह जाए जवानी बाबूजी। पहले आप सब बात समझ लें, झारखंड के रहे वाली एक सुभिया जादू गर्नी है और सुभिया इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है बाबू कि जे देखा है देखते रह जाए। का है विधाता कायन है इतवार के दिन बनाया है, सब काम फुर्सत रहे तो है का ये बाबू। कभी जी चार लाइन देखा लटकम देहे ओकरे सुंदरता को अरे तो खिलके कली भई है फूल, खिलके कली भई है फूल, अरे दुना यौवन जैसे सूल देखे आशिक जाए भूल, अपने घर करैया देख के सुभिया के सुनराई, देख के सुभिया के सुनराई, अरे कितना फासिल है लगाई लेकिन नहीं डोल पाई है बाबूजी। जैसे हमारे आपकी इच्छा में हो थे कि हमार दुल्ही बड़ी बढ़िया हो, बड़ी सुंदर हो, बड़ी खूबसूरत हो, वैसे हर लड़की की इच्छा रहा है कि हमारा दुल्हा बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा ज्ञानवान हो, बड़ा पहलवान हो। तो सुभिया का तो सब पसंद करता है, लेकिन सुभिया का पसंद का है देखा, सुभिया के दिल के दिलदार, सुभिया के दिल के दिलदार, अरे मोहबा उदय चंद्र सरदार, शादी कई के मन में चाहत जाते हैं। सजिक के चली है जादूगर, सजिक के चली है जादूगर, अरे दुनो पैया घुघरू पहनी नाच देखावे महो बस भरते नैया, एक दिन बाबू सोचत विचारत और चल पड़ी महोबा का सोरहव सिंगार बत्तीसौ भरम कई के एक नर्तकी का भेष बनाई के पैर में घुघरू बांध के बाबू महुआ पहुंच गए और नाच दिखाओ दीवा। सोचत गया अगर उदल कर हमार भेंट हो जाए तो दोनों जने प्रेम के बात करब, धीरे धीरे शादी के मंडप तक ले चलब उनका। ए बाबू यह सोच के जब चल पड़ी तो हुआ का, लेकिन उदय चंद्र सरदार, लेकिन उदय चंद्र सरदार, अरे बैठा है बीच दरबार, ताके नहीं एक तो बार भजुकारी सुभिया, सोचे सुभिया दुखारी, सोचे सुभिया दुखारी, अरे उदल का घमंड भारी है कै कसर लेब निकार कै के भीतर घसिया, ए बाबू जब उदल एक बार उकरी ओर ना देखे पूरा दरबार देखता है कि गजब बढ़िया नचनिया है बा, बहुत बढ़िया नाच दिखावत बा, लेकिन उदल जब ना लिखे तब ओकरे मन में दुश्मनी भावना जाग बा, जहाँ प्रेम करे आए रही उदल का अपन हमरा ही बनवे आए रही, आज दुश्मनी भावना से देखत गया और कहत गया जब इनका हम गड़बड़वाई दी।
मौनी पाड़े का बुलावे, मौनी पाड़े का बुलावे, अरे उनका त्रिया चरित पढ़ावे, कैद उदल का करावा खेला सुन के अप्सरा के बतिया, सुन के अप्सरा के बतिया, अरे मौनी पाड़ फिर गए मतिया, करने चले साथ में घटिया बन के ये बाबू जब देखिस की उदल हमारी ओरी न है लखत, तब एक जने दरबारी पाड़े जेकर नाव मौनी बतावे गए। मौनी पाड़े बड़ा होशियार दिखात रहे, बड़े बुद्धिमान लागत रहे, उन्हीं सनकारिस जब सनकारिस लगे आए, कहे काहो पाड़े महाराज हमसे ब्याह करवा, माड़े महाराज जनाए पर जीते जीत मरी गए। ये भैया वो कुदेर बोली न पावता है मुंह बाबा का बाबा बा। कैसे बोले भाई, तनी उनका फिर से बोली कैसे बिहावा करवा काहे बोलत नहीं। मौनी पाड़े कहे इतना बढ़िया बढ़िया राजकुमार, इतना ताकतवर योद्धा बैठा है दरबार में, का हम ही सबसे बढ़िया लागत है। सुभिया का अपन काम बनो ग्रह, सुभिया कहे तू हमारे सोराहु आना फिट लागत। मौनी पाड़े कहे बियाह कब करबू, हमारे तरफ से एकदम फाइनल बा। ये बाबू सुभिया कहीं देखा हमारे तरफ से फाइनल बा, अर्चन एक तरफ से है, कहे कहा कहे उदल तरह ही तरह हमें लिखा है, अब लागत है उदल हम पसंद हो गए, अब उदल के रहते हुए हमारे द्वार मिलना कैसे हो, कहे तब करे का बा, कहे उदल का कोनो भी दिलावा, हम कहा जादू मार के गधा बनाई दे अलगम के, और उनका कोनो धोबी के दई दे लादी लादा हम हो तो हूँ मौज की जाए। मौनी पाड़े कहे ठीक ठीक एकदम बढ़िया है, जगह करार होत बा, बिठूरा मेला के दरमियान, बिठूरा मेला के दरमियान, अरे इनका लावा कोनो खान रह भैया भारी सुभिया कहे देखा आज एक हफ्ता बाद बिठूर का मेला है, और बहलाए फुसलाए को वही कोनो बिधलई की आवा महाराज, तोहार बात मानत हुई का एकदम मानत है, हम लेके आऊ तू चिंता ना करा, अब बिठूर का बिठूर तो जान ला हमारो घर है, हमारे छोटे भाई वो को बड़ी पुरान दुकान है, तो बिठूर में कोनो दिक्कत ना है, तेरी की लाइन बाबू कहना है। अरे रामपुर गए हम तोहार बतिया, मौनी पाड़ कहे उदल का कैद करई बे पुर गए हम तोहार, नन्हे पाड़े सग गए भाई जवन रहत बिठूर दरमियान, अरे शादी करना मेरे साथ में रहे बस इतना ध्यान, अरे हरी सुभिया लगावे चली घटिया पूरी गए हम तो जब सुभिया जान गए करके छोटके भाई की दुकान बाबी ठूर में, कहीं पानी महाराज यारी व्यवस्था करा हम चलते ही मेला में, बरवार मेला जवन होते ओहमन हफ्तन पहले 15 दिन पहले दुकान उकान आई जाती, तेम बिठूर चलते ही आप लेके आया। ए बाबू पहुंची बिठूर में सुभिया, नन्हे पाड़े का पलझा,
अरे धूप है प्यार करे पाड़े से, अरे प्रिया कृत फैलावे हरी माऊनी लगाए रहे घटिया पूरे देश। वही सुभिया गए नन्हे पारे अपने प्रिया चरित्र जाल में फांस देस, उनसे झूठक प्रेम कैले हरी मौनी भितरी आई गई। तब का भा मौनी कहे की बतिया सुनिया हे सोना महारानी, अरे विपुर दशहरा मेला देखे का अखिया ललचानी, देवर बघू दल के लई चला संगतिया पूरन से हमको ये बाबू। मौनी पाड़े जब भितरिया ने पहुंचे जहां सोना रानी रहे, कहे महारानी बताओ कहाँ कहाँ मेला देखे यहाँ, सोना रानी जहाँ जहाँ देखे रही नहीं हरे बताई फलाई फलाई जगह देखे ही। हाँ हाँ जहाँ जहाँ गए रही सर्वन क्षेत्र पहले गए रही। ए भैया यही बगलिए का कहा तुका बाबा परमहंस वाली है मनसापुर बताई जहाँ तक जानत रही। मौनी कहीं बतावा कहियो विठूरों को मेला गए हा कि नाय, कहीं नाही दरबारी महाराज हुमत ना गए ही, कहीं एक बार अगर देख लेबू तो कुल मेला भुलाई है, बहुत बढ़िया मेला लागत है। अब का बताई एकदम दादा सथवा अपने हम छोट के रहे थे घर है, अरे पूछा दिन हमारा वहीं के नमन कहा, ए भैया इतना पलझाई दे तो सोना रानी कहीं अब की चला, कहे कब आए महाराज तनी पता करा, कहे बस आज के अठहन दिन यार। ए भैया संझा के महाराज आल्हा आए, कहीं महाराज अब की हमें बिठूर का मेला दिखाई दिया। आल्हा कहे देखा बिठूर ढूर जिंजा, बिठूर में एकदम इंदल के लैके उदल गए रहे, बहुत हेराए गए बड़ी परेशानी के बाद मिले, और वह जादू कुमार होत है नीक मनसेधु नीक मेहरालु साढ़े सत्यानाश हो जाते हैं जिन जा। सोना कहीं के हुस कम जादू जानित का, हमरे उदल देवर हमें कथक दिक्कत बा। ये भैया आलहक मुहस निकल गया उदल के ऊपर इतना घमंड बा, जा उदल को ले लिया और चली जा हम न जा। तो गरीब बात उदल से जाके मिली कहीं भैया हो तोहरे भैया का दे साहब की बिठूर का मेला चले का है। अब भैया का दे साहब बेचारू उदल मन मन महसूस के कहे चला भौजी चला, अपने मन में सोचा था एकदम उनके पूत कलई के रहे बहुत भोगा रहे, अब फिर भैया आदेश दे देता हूँ, लेकिन बड़े भाई का आदेश बा ना ही ना कह सकते। ए बाबू उ दिन आइए की जब मेला तैयारी होगी एडे तर्ज मिला कैसे भैया। अरे अपने बलमुआ के चोरी ये नहीं हमारे पाड़े भैया दुल्हन मतलब हमार भौजी हमसे मांगे अपने बलमुआ के चोरी गोरी माँ कहना है चली भई ले ते गाँव भाई, हाँ चली भई ले ते गाँव भाई देवर बहुत भाई के साथ।
महबा से चले बिठूरा मेला पहुँचे जाई और घूमी घूम मेला के देख सुभिया रही घटिया लगाई देवर भौजाई बाबू सुभिया काठ दिन पहले वह जमी दिया अब घाटी लगाए बाकी कब उदल आवे कब हम जादू मार के इनका लेके जाए बाबू लेकिन दिक्कत हो गए कवन दिक्कत सोना के रहते काम करे नहीं जादू और सुभिया लचार मौनी पार भर अरे धीरे धीरे शाम हो जाई देवर हो जाई भैया संझा हो गए लेकिन सुभिया के एक जादू काम नहीं करत काहे से सबसे बड़ी जादूगरनी आलखंड में सोनक बतावा जात है सोरह जादू पूजती रही तो यह लिए वो अपने जादू की शक्ति से बांध रह रही उनके उदल के कोनो जादू काम नहीं करत लेकिन जब संझा हो गए खाए पी सोवाई टाइम आई गए तब सोना रानी अपन गहना निकाल के उदल के दी कई भैया एक संभाल के रखा कहे से ध्यान दे आज की नाय दद्दा से अमयम के गहना नाय होत रहा तीन तीन किलो पांच पांच किलो गहना होत रहा पहिर के सोय नाय सकत रहा खाली पहिर के टहरी सकत रहा कहना है सोना रानी तन के अरे उतार दी गहना कहाँ देवर उदला सम्हारी से रखा अरे सुती गई ले बिस्तर लगाई देवर भौजाई सोत बार दुई मनई के अंगाई ना लागत के करे एक थे सुभिया के एक थे मौनी पाड़े की मौनी पाड़े के मतलब है कब उदल का हम कैद कराई हमार बिया हो और सुभिया के मतलब है कब जादू मार के इनका अपने लोक ले जाई इनका घमंड निकारी है ए बाबू लेकिन मौनी पाड़े बुद्धिमान रहा है खोपड़ी काम कई गए कहना है सुभिया से कहे मौनी पाड़े समझाई और लई जा सोना रानी के गहना तोराई अरे उदल का दे बया लगाई देवर भौजाई मौनी पाड़े सोच गए सोना रानी महारानी यही अगर आभूषण में रहे तो मेलम बहरे न निकली अब वह गहनवा टार दी बाद में हरावे बरे लेके निकर अब उदल का काम बन जाए
बाबू योजना के मुताबिक होत का बा। सुती गईले बघौदल जब गहरी दिया और सुभिया बनल एक शक्तिशाली चिड़िया। अरे गहना के गठरी उड़ाई देवर भौजाई के